हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे करंट स्किन केयर रूटीन में मैंने गोजी बेरी को इंक्लूड किया है एंड किस तरह से मैंने गोजी बेरी को इंक्लूड किया है, कौन कौन गोजी बेरी बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उसके क्या क्या फायदे हैं। सो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नयोका के जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड देयर गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट वाला जो फेस मास्क एंड फेस सीरम है वो मैं काफी दिनों से चाहती थी इस्तेमाल करना, बिकॉज आई रियली वांटेड टू इंक्लूड गोजी बेरी इनटू माय स्किन केयर रूटीन, क्योंकि वो जो इंग्रेडिएंट है ना वो हमारे स्किन को काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सो जो पहला स्टेप है मेरे करंट स्किन केयर रूटीन का वो है नयोका फेस मास्क विथ गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट। दिस इज द पैकेजिंग, यू ऑल कैन सी हाउ क्यूट द पैकेजिंग इज एंड ये एकदम फ्रॉस्टेड ग्लास पैकेजिंग में आता है। दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली एंड इसके साथ आपको एक एप्लीकेटर भी रिसीव होगा। नेक्स्ट है जो स्टेप है वो है नयोका फेस सिरम। इसके अंदर विटामिन सी, गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड है। ऑल द थ्री इंग्रेडिएंट्स आर ओनली वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन। सो ये जो फेस मास्क है इसकी कंसिस्टेंसी सॉर्ट ऑफ क्ले मास्क टाइप्स है, तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, बट पर्सनली माय स्किन इज ड्राई स्टिल, मेरी स्किन बिल्कुल भी ऐसा ड्राई एंड चैप्ड फील नहीं होती है, मेरी स्किन में एक हल्का सा ग्लो भी आता है व्हेन आई यूज दिस फेस मास्क, तो इसीलिए मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है। और इसके साथ जो स्पैचुला आता है ना उससे हाइजीन इज कम्प्लीटली मेंटेन। इस तरह के फेस मास्क में हाथ को इस्तेमाल करके आप टब के अंदर निकाल रहे हैं प्रोडक्ट को, उसे फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसे हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार फेस पर उससे भी बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा मेक श्योर करें कि आप इस तरह के स्पैचुला इस्तेमाल करें, उसे हाइजीन मेंटेन रहती है। नयोका के प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री 100% वीगन है, इसमें कोई पैराबेंस, सल्फेट्स एंड SES नहीं है, pH बैलेंस्ड है और हाँ इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसका जो कलर है, कंसिस्टेंसी है, सब चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर, क्योंकि जब मैंने इसे लिया था ना, परचेज किया था, उस टाइम यहाँ पर बारिश हो रही थी तो उस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी अलग थी, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हुई है। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट खराब आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। सो मैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ सबसे पहले वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है वो है नयोका फेस सीरम। आई एब्सोल्युटली लव दिस फेस सीरम, क्योंकि इसका जो लाइट वेट कंसिस्टेंसी है फेस पर इंस्टेंटली ग्लो भी ऐड करता है, उसके साथ साथ फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड समर सीजन के में इस तरह के लाइट सीरम्स काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे ना फेस पर भारी कुछ ऐसा फील नहीं होता, ऑयलीनेस, चिपचिपा ऐसा नहीं फील होता, इंस्टेंटली स्किन पर अब्सॉर्ब होता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन पर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, विटामिन सी स्किन पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट हमारे स्किन को सपल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लोइंग बनाता है। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस एंटायर रेंज। ये जो गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट उन्होंने इंक्लूड किया है अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आई मस्ट रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड वी शुड सपोर्ट मेड इन इंडिया लोकल प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है ये अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसे मेन, वुमन, टीनेजर्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली प्रिजर्वेटिव फ्री, केमिकल फ्री, सो कोई आपकी स्किन पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा। मेरी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, स्टिल मेरे फेस पर ये इतना अच्छे से सूट कर गया, आई वॉज ऑल्सो रियली शॉक्ड। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए कहीं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।